ये फाइनल टर्म की सॉल्व पास पेपर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको STA 630 के फाइनल टर्म का सॉल्व पास पेपर करवाया जा रहा है, जिसके अंदर MCQs के साथ साथ सॉल्व सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी शामिल हैं। सबसे पहले आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस मौजूद हैं जिनके आंसर्स आपको करवाए जाएंगे। पहला एक है राइट पार्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, इनके एक्सपेरिमेंट्स के जो है वो पार्ट्स लिखने होंगे, इस तरह का क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये कि व्हाट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग विद एग्जांपल, कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या है उसको एग्जांपल के साथ बताना होगा। इसके अलावा राइट ब्रीफली अबाउट कॉन्टेंट एनालिसिस, कॉन्टेंट एनालिसिस के बारे में लिखना होगा। इसके अलावा ये कि एथनोग्राफी क्या है और एथनो मेथडोलॉजी, ये दोनों जो है वो क्या है, और इसके अलावा कोटा सैम्पलिंग जो है वो क्या है। तो अब देखते हैं सॉल्व MCQs को, इसके बाद आपको इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर करवाए जाएंगे। तो एक्सप्लेन करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए फिनोमेना, ये जो है गोल है इनमें से किस ऑप्शन के। सो ये है साइंटिफिक मेथड, दी साइंटिफिक मेथड के जो ये गोल्स हैं, तो दी साइंटिफिक मेथड इज दी आंसर हेयर। उसके बाद ये कि एक वेरिएबल इनमें से क्या है, सो कोई भी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट जो कि ले सकता है मोर देन वन वैल्यू, यानी कि एक से ज़्यादा वैल्यू जो है वो ले सकता है। सो फर्स्ट वन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि द फॉलोइंग जर्नल आर्टिकल, सो ये जो फॉलोइंग जर्नल आर्टिकल है ये जो है एक एग्जाम्पल होगा कौन सी रिसर्च का। अब ये जो एक स्टेटमेंट है, द बेनिफिट ऑफ फ्लोरेसेंस लाइटनिंग ऑन प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री सेटिंग, सो ये है एग्जाम्पल किसकी, अप्लाइड रिसर्च की। सो अप्लाइड इज द आंसर हेयर। और उसके बाद ये कि इन दी स्टेटमेंट, अब ये जो स्टेटमेंट है, एन एग्जामिनेशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डिस्क्रिशनरी बिहेवियर, एक एग्जामिनेशन जो है इफेक्ट्स का डिस्क्रिशनरी बिहेवियर का एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के ऊपर। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इज दी, अब वो क्या है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो डिपेंड कर रही है दूसरी चीज के ऊपर। सो डिपेंडेंट वेरिएबल इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, वो ये है कि ऑल वेरिएबल आर कॉन्सेप्ट्स बट ऑल कॉन्सेप्ट्स आर नॉट वेरिएबल, तमाम वेरिएबल्स तो कॉन्सेप्ट है लेकिन तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो वेरिएबल नहीं है। सो सेकंड वन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि अ वन टेल हाइपोथीसिस प्रेडिक्ट, एक वन टेल हाइपोथीसिस जो वो प्रेडिक्ट करता है इनमें से क्या, वो है द डायरेक्शन ऑफ द इफेक्ट, द डायरेक्शन ऑफ द इफेक्ट। सो लास्ट वन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये इनमें से कौन सा स्टेप जो है साइंटिफिक मेथड का वो एग्जाम्पलीफाइड होता है रिसर्चर रिव्यू से, रिसर्चर जो कि रिव्यू कर रहा है लिटरेचर और फोकस कर रहा है एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को जिसको अभी जो है वो सॉल्व होना है। सो वो है आइडेंटिफाई आर टॉपिक, आइडेंटिफाई आर टॉपिक इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि टू से डेट अ थ्योरी इज फॉल्सिफाइबल, इनकी ये कहना कि एक थ्योरी जो है वो फॉल्सिफाइबल है, इज टू से डेट वो ये कहना है कि क्या, कि वी कैन इमेजिन, हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि रिजल्ट जो है वुड कॉन्ट्रडिक्ट इट, वो जो है कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे इसको। सो दिस वन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि एम्पिरिसिज्म के मुताबिक इनमें से कौन सा जो है वो अल्टीमेट सोर्स होता है ऑफ ऑल अवर कॉन्सेप्ट्स एंड नॉलेज, हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स और नॉलेज हैं उसका, वो है सेंसरी एक्सपीरियंस, सेंसरी एक्सपीरियंस इज द आंसर हेयर। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो बेस्ट हाइपोथेसिस स्टेटमेंट है एड्रेस करने के लिए जो रिसर्च क्वेश्चन है, कि व्हाट इम्पैक्ट विल द न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन हैव ऑन यूज ऑफ ब्रांड बी, यानी कि क्या इम्पैक्ट होगा न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन का यूज के ऊपर ब्रांड बी के, वो है द न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन विल इम्पैक्ट ब्रांड बी यूजेज, न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो है वो क्या करेगी, इम्पैक्ट करेगी, असर डालेगी ब्रांड बी के यूजेज के ऊपर। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद ये कि साइंटिफिक मेथड जो है वो उसको प्रेफर्ड किया जाता है जो दूसरे वेज हैं नोइंग के, जानने के, क्यों, किस वजह से, क्योंकि जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए अब यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली दूसरे ऑप्शन या रेज हो गए। सो रिलायबल सिस्टमेटिक एक्यूरेट जो है उसमें से एक है। और उसके बाद ये कि इफ आर रिसर्चर, अगर एक रिसर्चर जो है वो स्टडी कर रहा था यूज जो है वेरियस इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस, बहुत सी इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस का मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के लिए उसके स्टूडेंट की, सो मुमकिन तौर पर वो कर रहा है किस तरह की रिसर्च, वो है अप्लाइड। सो अप्लाइड इज़ द आंसर हेयर। और उसके बाद ये कि क्वालिटेटिव और जो क्वान्टिटेटिव रिसर्च होती है, ये क्लासिफिकेशन है रिसर्च की किस बेस के ऊपर, कौन सी बेसिस के ऊपर, टेक्निकल टेक्निक यूज, सॉरी टेक्निक यूज इज द आंसर हेयर। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी रिसर्च मेथड जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, वो है इमेजिनरी वर्ल्ड्स, ऐसी वर्ल्ड जो इमेजिनरी है तो वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है वहाँ रिसर्च मेथड। उसके बाद ये इफ आर रिसर्चर वाज स्टडिंग, अगर एक रिसर्चर जो वो स्टडी कर रहा था जो यूज़ है बहुत सी इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस मल्टीपल इंटेलिजेंस उसके स्टूडेंट के लिए, अच्छा ये दोबारा आ गया अप्लाइड वाला, ये रिपीट हुआ। उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो
ऑप्शन ए क्रिएट करता है प्रॉब्लम जो है मेजरमेंट की एक कॉन्सेप्ट की, वो है वैग मीनिंग्स, सो वैग होना मीनिंग्स का। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो है आईक्यू। बाकी है इसके अंदर लीडरशिप, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सो आईक्यू इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि व्हाट रिसर्च इज, इनमें से रिसर्च क्या है, एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी, एक इंक्वायरी की जाती है, सो सिस्टमेटिकली तौर पर इंक्वायरी की जाती है, उसको हम रिसर्च कहते हैं। और उसके बाद है फिर के इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कॉन्सेप्ट है, सो इसके अंदर लीडरशिप भी है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी है, सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि व्हेन वी से दैट साइंस इज पेरिसोमेनियस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि द बेस्ट साइंटिफिक थ्योरीज आर दोस, बेस्ट साइंटिफिक थ्योरी वो होती है जो कि ऑफर करती है सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन एक लॉ के लिए, सो दिस वन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि एक ऑपरेशनल डेफिनेशन इनमें से क्या है, वो है अ डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, एक डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक एम्पिरिकल मेजर्स, सो दिस वन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि डैश मीन्स, डैश मीनिंग्स अटैच टू अ कॉन्सेप्ट क्रिएट प्रॉब्लम्स ऑफ मेजरमेंट, कौन सी मीनिंग्स जो है जो कि अटैच होती है कॉन्सेप्ट के साथ वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है मेजरमेंट की, वो है वैग, वैग इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि ये कहने के लिए कि थ्योरी फालसिफाई है, वो ये कहना है कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा इसको, ये रिपीट हुआ है। उसके बाद ये व्हाई डू यू नीड टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, अब एग्जिस्टिंग लिटरेचर को रिव्यू करने की क्यों जरूरत पड़ती है, टू फाइंड आउट, फाइंड आउट करना है कि जो कुछ ऑलरेडी जो है वो नॉन है, पहले से ही जाना जा चुका है, अबाउट योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके बारे में पहले से जो कुछ जाना जा चुका है, सो दिस वन इज द आंसर हियर। उसके बाद ये क्वान्टिटेटिव रिसर्चर्स जो है प्री ऑक्यूपेशन जर्नलाइजेशन के साथ इज एन अटेम्प्ट, वो एक अटेम्प्ट होती है क्या करने की, डेवलप करना लॉ ऑफ लाइक फाइंडिंग्स ऑफ द नेचुरल साइंसेस, डेवलप करना लॉ लाइक लाइक फाइंडिंग जो है नेचुरल साइंसेस की, सो दिस वन इज द आंसर। उसके बाद ये व्हाट इज द अपोजिट ऑफ अ वेरिएबल, एक अपोजिट का वेरिएबल क्या है, वो है कॉन्स्टेंट, क्योंकि वेरिएबल वेरी करता है जबकि कॉन्स्टेंट जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है, वो वेरी नहीं करता। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो फीचर नहीं है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का, वो है प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स, प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स। बाकी है मेकिंग एन इन्वेंट्री ऑफ वेरिएबल, स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप और मेकिंग एन इन्वेंट्री ऑफ प्री प्रोपोजिशन, सो प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो एक डिस्क्रीट वेरिएबल है, वो है नेशनैलिटी, नेशनैलिटी इज द डिस्क्रीट वेरिएबल। बाकी है एज, टेस्ट स्कोर और है इनकम। उसके बाद ये कि इन डैश इनमें से किसके अंदर हम जो वो कलेक्ट करते हैं सेम टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन डिफरेंट रिस्पॉन्डेंट्स से डिफरेंट टाइम्स के अंदर, वो है टाइम सीरीज रिसर्च, सो टाइम सीरीज रिसर्च इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये व्हाई डू यू नीड टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, क्यों जरूरत होती है फाइंड आउट करने के लिए जो कुछ ऑलरेडी नॉन है आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, ये भी रिपीट हुआ है। उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है वो लीस्ट अप्रोप्राइड रिसर्च प्रॉब्लम है, वो है कि शुड स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू कॉन्ट्रोवर्शियल नॉवेल्स इन स्कूल, सो दिस वन लास्ट वन इज द आंसर। क्या स्टूडेंट्स के पास एक्सेस होना चाहिए जो कॉन्ट्रोवर्शियल नॉवेल्स होते हैं स्कूल के अंदर। उसके बाद देखिए नल हाइपोथेसिस जो है वो बताता है क्या, एब्सेंस ऑफ रिलेशनशिप, इसी वजह से वो नल है क्योंकि एब्सेंस है रिलेशनशिप का इस वजह से। और एक वेरिएबल इनमें से क्या है, कोई भी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट जो कि ले सकता है एक से ज्यादा वैल्यू, सो दिस वन इज द आंसर हेयर। फर्स्ट वन नल हाइपोथेसिस क्या बताता है, एब्सेंस ऑफ रिलेशनशिप, सो एब्सेंस ऑफ रिलेशनशिप इज द आंसर है। उसके बाद इनमें से कौन सा टास्क जो है वो एकम्प्लिश नहीं होता थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से, वो है रिलेटिव्स, रिलेट्स द प्रीवियस स्टडीज, रिलेट्स द प्रीवियस स्टडीज इज द आंसर हेयर। और उसके बाद ये क्या है इनमें से कौन सा जो है वो फर्स्ट स्टेप क्या है इनमें से रिसर्च प्रोसेस में, वो है डिफाइन करना ब्रॉड एरिया प्रॉब्लम, डिफाइन ब्रॉड एरिया प्रॉब्लम इज द आंसर हेयर। उसके बाद है कि क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स प्री ऑक्यूपेशन जो जर्नलाइजेशन के साथ वो अटेम्प्ट होती है क्या करने की, डेवलप करना लॉ लाइक फाइंडिंग जो है नेचुरल साइंसेस की, सो फर्स्ट वन इज द आंसर हेयर। उसके बाद इनमें से कौन सी जो है वो एग्जाम्पल है वैल्यू फ्री रिसर्च की, वो नन ऑफ दी अबव है, जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए यहाँ पर, जिसमें कॉन्शियस फेवर सेम्पथी फॉर द लूजर भी है और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी है। उसके बाद ये कि मिस रोशी जो है वो कोऑर्डिनेट कर रही है एनुअल फेस्टिवल जो है अपने स्कूल पे सेवरल लास्ट ईयर ईयर कई सालों से, पिछले कई सालों से, सो ये अश्योर करना चाहती है कि जो स्टूडेंट्स हैं और पेरेंट्स हैं वो एंजॉय करें फेस्टिवल दोबारा इस साल। और ऑन विच सोर्स, किस सोर्स के ऊपर इज शी लीस्ट लाइकली टू रिलाई, यानी कि कम, बहुत कम जो है वो मुमकिन है तौर पर रिलाई करें जब वो डिसीजन करें कि क्या करना है, सो वो है रिसर्च। बाकी ऑप्शन जो है उसके अंदर आता है ट्रेडिशंस, पर्टिकुलर
पर्सनल एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट ओपिनियन। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड की बेसिस क्या है इनमें से, वो है टू फॉर्मुलेट, फॉर्मुलेट करना एक रिसर्च प्रॉब्लम, टेस्ट करना कि हाइपोथेसिस जो है केयरफुली कंट्रोल कंडीशन में जो कि चैलेंज करता है हाइपोथेसिस, सो दिस वन इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि जो फाइनल स्टेप है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का, वो इनमें से क्या है, वो है रिपोर्ट द फाइंडिंग्स। और उसके बाद देखिए इनमें से कौन सी जो है करेक्टरिस्टिक्स नहीं है एक अच्छी रिसर्च टॉपिक की, वो है इट फोकसेस ऑन अ फिलोसॉफिकल और एथिकल इशू। ये जो है फोकस करता है फिलोसॉफिकल या एथिकल इशू पे, दिस वन इज नॉट। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा जो है वो सोर्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू नहीं है, वो है एक्सपेरिमेंट। द अदर ऑप्शन आर स्कॉलरली जर्नल्स, डिसर्टेशंस एंड बिब्लियोग्राफिकल इंडेक्सेस। उसके बाद देखिए एम्पिरिसिज्म के मुताबिक इनमें से कौन सा जो है वो अल्टीमेट सोर्स है तमाम जितने भी कॉन्सेप्ट और नॉलेज है, वो है सेंसरी एक्सपीरियंस। सेंसरी एक्सपीरियंस इज द आंसर हेयर। उसके बाद देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट है सिक्वेंस के अंदर, मोस्ट कॉन्क्रीट से और इंडिविजुअल टू मोस्ट जनरल, यानी कि मोस्ट कॉन्क्रीट और इंडिविजुअल से मोस्ट जनरल तक वो इंडिकेट करता है इनमें से क्या, डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये फैक्ट्स जो जैसे कि दैट शुड बी कलेक्टेड, कलेक्टेड हो ताकि कलेक्ट किया जाए ताकि मेजर किया जाए, वेरिएबल डिपेंड करता है इनमें से किसके ऊपर, ऑल ऑफ द अबव, जिसके अंदर आ जाता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, डिक्शनरी मीनिंग और ऑपरेशनल डेफिनेशन भी आ जाता है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं है, आई क्यू इज नॉट द कॉन्सेप्ट, सो दिस इज द आंसर। और एक रिसर्च क्या है, सिस्टमेटिक इंक्वायरी इज द आंसर हियर। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वेरिएबल मैनिपुलेट ताकि ऑब्जर्व करे उसका फैक्ट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेप साइंटिफिक मेथड का जो है वो एग्जाम्पलीफाई करता है रिसर्चर रिव्यू करते हुए लिटरेचर और फोकस करते हुए स्पेसिफिक प्रॉब्लम जिसको अभी रिजॉल्व होना है, वो है आइडेंटिफाई आर टॉपिक इज द आंसर। नाउ द सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ दिस वीडियो ऑफ दिस पेपर वो है कि राइट पार्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट्स के पार्ट्स लिखे। सो हम जो है वो एक्सपेरिमेंट को डिवाइड कर सकते हैं 7 पार्ट्स के अंदर और हर पार्ट के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है। और ये भी एक बात है कि ज़रूरी नहीं कि तमाम एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आपको ये तमाम पार्ट्स दिखाई दें, कुछ के अंदर आपको ये 7 पार्ट्स भी दिखाई दे सकते हैं और इसके साथ साथ कुछ दूसरे पार्ट्स भी आपको दिखाई दे सकते हैं। सो ये 7 पार्ट्स यूजुअली तौर पे बनाते हैं एक ट्रू एक्सपेरिमेंट। अब वो कौन कौन से हैं, पहला है ट्रीटमेंट या फिर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट होते हैं, और इसके अलावा डिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंडेंट होते हैं, और प्री टेस्ट होता है टेस्ट से पहले और पोस्ट टेस्ट जो टेस्ट के बाद है। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप है और जो असाइनमेंट है सब्जेक्ट्स की। सो दीज आर दी पार्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। नाउ दी व्हाट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग विद एग्जांपल, एग्जांपल के साथ कन्वीनियंस सैम्पलिंग को बताया जा रहा है। सो कन्वीनियंस सैम्पलिंग से मुराद सैम्पलिंग होती है जो कि क्या होता है कि हासिल किया जाता है यूनिट्स या फिर लोग जो कि कन्वीनियंटली तौर पर अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसको एग्ज़ाम्पल की मदद से आपको एक्सप्लेन करना है तो उसको समझे भी आप। सो एग्ज़ाम्पल अगर लें तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल होगा कि सैम्पल लिया जाए एम्प्लॉयज़ जो है कंपनी के अंदर एक नियर बाय एरिया में, ऐसे एरिया जो करीब एरिया है। सो सैम्पल लिया जाए पूल ऑफ फ्रेंड्स से और जो नाइबर वगैरह हैं। उसके बाद ये कि कॉन्टेंट एनालिसिस के बारे में लिखते हैं। सो ये जो एक टेक्निक होती है गैदर करने के लिए और एनालाइज करने के लिए जो कॉन्टेंट होता है टेक्स्ट का, इसीलिए इसको हम कॉन्टेंट एनालिसिस कहते हैं। और कॉन्टेंट से मुराद वर्ड्स, मीनिंग्स, पिक्चर्स, सिम्बल्स, आइडियाज, थीम्स या कोई भी मैसेज जिसको कम्युनिकेट किया जा सकता है। सो कम्युनिकेशन के अंदर सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि और भी चीज़ें आ जाती हैं, पिक्चर वगैरह, आइडियाज वगैरह भी। और टेक्स्ट से मुराद, अब जब हम टेक्स्ट की बात करते हैं तो कोई भी चीज़ रिटन भी हो सकती है, विजुअल भी या स्पोकन भी। तो वर्ड्स का यूज़ होता है जब टेक्स्ट की बात की जाती है जो कि सर्व करता है एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। सो पॉसिबल आर्टिफैक्ट्स जो है स्टडी के लिए उनको कुड बी बुक्स, वो जो है क्या हो सकते हैं, वो बुक्स हो सकती हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, आर्टिकल, एडवर्टाइजमेंट, पोम्स, लेटर्स, लॉस, और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशंस, ड्रामाज, स्पीच, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, फिल्म्स या फिर वीडियो टेप्स हो गए। उसके अलावा म्यूजिक का लिरिक्स हो गए, फोटोग्राफ्स हो गई, आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग्स हो गए और वर्क ऑफ आर्ट। सो ये तमाम जो है वो तमाम वर्क जो है वो खिलाया जा सकता है डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद ये कि एथनोग्राफी और एथनोमेथडोलॉजी ये क्या है। एथनोग्राफी आता है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से, एथनो का मतलब होता है लोग या फिर फोक जो कि डिस्टिंक्ट होते हैं उनके कल्चर से,
और एथनोग्राफी से मुराद डिस्क्राइब करना किसी चीज़ को। सो एथनोग्राफी का मतलब ये हो गया कि डिस्क्राइब करना एक कल्चर या फिर अंडरस्टैंड करना अनदर वे ऑफ लाइफ नेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है कल्चर ऑफ पीपल की उनके खुद के पर्सपेक्टिव से। सो एथनो मेथडोलॉजी जो इम्प्लाई करता है कि कैसे लोग क्रिएट करते हैं रियलिटी और कैसे वो इंटरप्रेट करते हैं। और एथनो मेथडोलॉजीज जो है वो मेथडोलॉजिस्ट ये एग्जामिन करते हैं ऑर्डिनरी सोशल इंट्रैक्शन ग्रेट डिटेल में ताकि आइडेंटिफाई करें रूल्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए सोशल रियलिटी और कॉमन सेंस और कैसे रूल्स जो है वो अप्लाइड होते हैं और कैसे न्यू रूल्स जो है वो बनाए जाते हैं। और कोशिश करते हैं फिगर आउट करने के लिए कि कैसे सर्टेन मीनिंग्स जो है वो अटैच हैं एक रियलिटी के साथ। नाउ दी कोटक सैम्पलिंग। सो सैम्पलिंग प्रोसीजर जो है वो इंश्योर करता है कि जो सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स है एक पॉपुलेशन ग्रुप की वो रिप्रेजेंट करेगी एग्जैक्ट एक्सटेंट जो कि रिसर्चर की डिजायर है रिसर्चर चाहते हैं। इस केस के अंदर रिसर्चर पहले आइडेंटिफाई करते हैं रिलीवेंट कैटेगरीज लोगों की और फिर डिसाइड करते हैं कि कैसे हासिल करें हर कैटेगरी के अंदर। सो नंबर ऑफ पीपल जो है बहुत सी कैटेगरीज में सैंपल के फिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर डिसाइड करते हैं कि सिलेक्ट करें 5 मेल्स और 5 फीमेल्स अंडर एज 30 के और 10 मेल्स और 10 फीमेल्स 30 से 60 के दरमियान और 5 मेल्स और 5 फीमेल ओवर 60 एक 40% सैंपल के लिए। सो ये कहलाया जाता है कोटा सैंपलिंग। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।